गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछला वीडियो में मैंने आपका पांचवी पाठ अटल बरी की भेष कहानी का शुरुआत किया था मैंने अपने पिछले वीडियो में, और आज इस वीडियो का जो भाग रह गया था उसको आज मैं आपके सामने डिस्कस में लाऊंगा और इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो बच्चों कि हम लोग कहाँ रुके थे, आपको याद होगा कि हम उस जगह पर रुके थे जहाँ पर चत्रु जो भेष के बारे में एक कहता है कि भेष के आगे बिन बजाओ भेष बेटे बुगड़ाए। इसका मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब भेष के आगे अगर आप बिन बजाते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप उस भेष के आगे चिल्लाओ जो भी करो लेकिन उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपना उसको एक घमंड सा था कि वो एक बड़ा सा जानवर है, उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ये बात था। तो ऐसे कहानी आगे जाता है और कहानी पर आगे होता क्या है, आगे कहानी पर ये होता है कि उसी समय एक भैंस आके तालाब पे घुस जाती है, और भैंस जब तालाब से निकलती है तो पूरा तालाब का पानी को कीचड़ बनाकर बाहर निकलती है, और उसका शरीर भी अच्छा से धुला हुआ नहीं था। तो चतुर उसे देखते है और कहता है कि अरे मतलब देख, कहता कुछ नहीं, मतलब वो हंसता है। जब वो हंसता है तो फिर भेष उसकी हंसी को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो क्या करता है, वो भेष से पूछता है कि क्या रे, क्यों तू मुझे देख के हंस रहा है। तो चतुर कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ। बोले क्यों हंस रहे हो मुझे देख कर? तो चतुर कहता है कि नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि लोग जब नहाते हैं, जब उससे जानवर नहाते हैं तो उसका शरीर साफ हो जाता है, वो साफ होने के लिए नहाता है, लेकिन आप जो हो, आप नहाकर जो उठे, आपका शरीर में तो अभी भी कीचड़ है। तो बोला तुम्हें भैंस कहते हैं, तुम्हारा क्या? तो भैंस को फिर चतुर उसके ऊपर हंसते कि हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन बात है कि क्या नहाना हुआ, अगर आप नहाने के लिए उतरे हैं तालाब पर तो अच्छा से नहाइए। तो उसका भैंस का गुस्सा आ जाता है। तो भैंस कहता है कि इससे तुमको क्या मतलब? तो चतुर कहता मुझे मतलब है क्योंकि इस तालाब से जानवर पानी पीते हैं और आप इस तालाब को पूरे तरह से गंदा कर रहे हो। इसको लेकर दोनों में बातचीत होता है और दोनों में एक झगड़ा जैसा मतलब सर्कमस्टेंस हो जाता है वहाँ पर। तो चतुर और भैंस के बीच में तू-तू मैं-मैं शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि तू नीचे आ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और चतुर से कहता है हो गया, बहुत हो गया मौसी, आप यहाँ से जाइए, तुम्हारा जैसे मैंने बहुत देखा है, ऐसा तू-तू मैं-मैं हो रहा था। ले तो इस बीच क्या हुआ, सारे जानवर वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जब सारे जानवर ने ये देखा कि चतुर और भैंस में तू-तू मैं-मैं हो रहा है, उनका जो झगड़ा है वो बड़ा होता जा रहा है, तो वो लोग ने कुछ करने का सोचा। तब शाम को वो लोग एक पेड़ के नीचे एक सभा की, और सभा के अनुसार हाथी को भी बुलाया गया और चतुर को भी। चतुर को उन लोगों ने पूछा, चतुर ने कहा कि मैंने इसलिए हंसा, और भैंस को भी पूछा तो भैंस को मानने के लिए राजी नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि भैंस के आगे बिन बजाओ भैंस बेटे पुगड़ाए, मतलब तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी बोलो। तो वो अपने उसी अंदाज में था। तो अंत में क्या हुआ, अंत में सभी जानवरों ने एक उपाय सोचा, सभी जानवरों ने सोचा कि एक खेल का आयोजन किया जाए, उस खेल में जो जीतेगा वो सबसे बड़ा होगा और वही सही होगा। तो खेल क्या था, खेल था एक तालाब को पार करना, उस पार से इस पार से उस पार। तो उस आयोजन के लिए, उस खेल के लिए हिरण को, हाँ हिरण तो वहाँ का, जैसे कि आप कहते हो हमारे जब भी कोई खेल आयोजित होता है तो उसमें रेफरी का जरूरत होता है, ठीक है, चीफ गेस्ट का जरूरत होता है। तो वहाँ हिरण जो था उसे बनाया गया है, हाँ क्या बनाया गया, निर्णायक मतलब जज बनाया गया, और हाथी को रेफरी बनाया गया। फिर खेल शुरू हुआ। खेल जैसे ही शुरू हुआ, भैंस जो था फटाफट तालाब में उतरा और
तैर कर उस पार जाने लगा। लेकिन चतुर उस समय परेशान हो गया, क्योंकि ना चतुर को तैरना आता है ना ही चतुर को कुछ सूझ रहा था कि वो क्या करे। तब चतुर डर गया। तब चतुर सोचने लगा, अब तो मैं हार गया और हारने के बाद मुझे लोग चतुर कहना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को लेकर वो परेशान हो रहा था। अचानक से उसका बुद्धि ने उसका काम उसका साथ दिया। उसका बुद्धि के द्वारा उसने क्या किया, और एक छलांग मारे और जाके सीधे क्या वो भैंस के पीठ के ऊपर बैठ गए और उनके दोनों सींग को पकड़ लिए। भैंस ने उसे गिराने का बहुत कोशिश किया, पर चतुर चालाक था और डट के वहां पर बैठा था। फिर अचानक क्या हुआ, जैसे ही भैंस तालाब के बीचों बीच आ गए, वहां से वो जोर से छलांग मारे और चतुर उस पार हो गया। इस तरह चतुर ने उस खेल को जीत लिया और अपने बड़प्पन का भी मान रख लिया और अपना बाप का भी मान रख लिया। लेकिन बच्चों, इस कहानी पर सिर्फ जीत चतुर की नहीं होता है, जीत होता है धर्म की, जीत होता है सच्चाई की। तो बच्चों, अगर आप सच बात बोलते हो, ठीक है, और अपने बुद्धि से अपना काम लेते हो, तो कभी आप किसी भी बड़े से बड़े इंसान को भी पस्त कर देते हो, बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपने नीचे झुका देते हो। ये कहानी का मतलब है और ये कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कविता से क्या सीखा, इस कविता से यही सीखा से कि अकल जो होता है, अकल का प्रयोग अगर कोई इंसान करता है, अपना बुद्धि का प्रयोग अगर कोई इंसान करता है, वो बड़े से बड़े को भी अपने सामने पस्त कर देता है और हरा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकल बड़ी की भेज। तो कौन बड़ा हुआ बच्चों, बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ अकल, बुद्धि बड़ा है, भेज नहीं, ताकत बड़ा नहीं होता है, कौन बड़ा होता है, बुद्धि। तो मैं इस कहानी का समाप्त यही करता हूँ। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को समझ चुके होंगे और कहानी के समाप्त होने के बाद मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप इस कहानी का जो शब्द अर्थ है इस पाठ में जो है आपके पाठ्य पुस्तक पर, उस शब्द अर्थ को अपने नोटबुक में लिखिए और मुझे सेंड कीजिए, मैं उसको चेक करूंगा। उसके बाद मैं उसका जो प्रश्न, उस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है, मैं उसको आप मैसेज के द्वारा या ग्रुप के द्वारा मैं आपको भेज दूंगा। तब तक हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।